Hey guys, welcome back to my channel. It has been long since not uploading any videos, but today I am going to upload my small experience. Yes, experience matters a lot related to eye disease. देखिए, there are many types of eye disease like जो है स्टाई बन जाता है, चैलेजन बन जाता है, गांठ बन जाता है, ब्लेफ्राइटिस हो जाता है. तो चलिए इससे रिलेटेड इस वीडियोस में हम बातें करते हैं. सो इस वीडियोस में जो जो हम बातें करने वाले हैं वो रिलेटेड टू इंटरनल हॉर्डुलम. दो टाइप का हॉर्डुलम होता है, एक्सटर्नल हॉर्डुलम एंड इंटरनल हॉर्डुलम. एक्सटर्नल हॉर्डुलम जो होता है आंखों के ऊपर देखेंगे गांठ बन जाता है, एंड इंटरनल हॉर्डुलम जो होता है ये आंखों के अंदर टार्सल पे जो बन जाते हैं छोटे छोटे रेड एंड पेनफुल होते हैं. तो ये दो टाइप के हॉर्डुलम होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. ये हॉर्डलम क्यों होता है, ड्यू टू मेनी रीजंस. देखिए, आंखों में छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो ड्रेनेज सिस्टम का काम करते हैं. सो अगर ये आंखों में अगर ग्लैंड्स ये बंद हो जाए तो हॉर्डलम प्रोड्यूस होने लगता है, या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पे पस बनने लगता है. तो इस तरीके से कई सारे रीजन होते हैं, या जो है पेशेंट जो है अपने अनहाइजीन हाथों से रब कर रहा है आँख को कंटिन्यूस, या डस्ट पार्टिकल से, या मेनी अदर रीजन जिसके वजह से हॉर्डलम बन जाता है. तो मैं बातें कर रही थी, मेरे एक पेशेंट है जो कि इंटरनल हॉर्डलम हुआ था एंड विद इन 1 वीक टोटली मीन्स 80% क्योर. सो गाइस, अगर इंटरनल हॉर्डलम होता है तो वो पेनफुल होता है. तो पेनफुल होते हैं, रेडिश होते हैं एंड टेंडर होते हैं, उसमें इंचीनेस होता है. एंड लाइक वाइज अगर एक्सटर्नल हॉर्डलम की बात करें तो वो पेनलेस होते हैं, हार्ड होते हैं, बट वो नॉन टेंडर रहते हैं और ये काफ़ी टेंडर रहता है. सो इस तरीके से हम जाने एक्सटर्नल एंड इंटरनल हॉर्डलम के बारे में, स्पेशली जो है इंटरनल हॉर्डलम. और इसके साइन में है कि रेडनेस होंगे, इचिंग होंगे एंड देन पेनफुल रहेंगे, तो ये इंटरनल हॉर्डलम है. तो इसमें एक पेशेंट है जिसको इंटरनल हॉर्डलम हुआ था, जो मैं बता रही थी 80% क्योर्ड है. तो कुछ मेडिसिन इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन एंड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो कराए तो उसका 80% जो है रिलीफ है. तो चलिए उस होम्योपैथिक रेमेडीज के बारे में डिस्कस करते हैं जो मैंने हमने इस पेशेंट में यूज़ किया. तो सबसे पहले जो रेमेडी इसमें स्पेशली बहुत ही यूज़ किया जाता है वो है स्टेफिसिजेरिया. स्टेफिसिजेरिया 200 पोटेंसी में मैंने उसको सुबह शाम जो है पेशेंट को दिया, तो वो काफ़ी हद तक 80% वो स्टेफिसिजेरिया वर्क किया एंड काफ़ी हेल्पफुल रहा पेशेंट के लिए. स्टेफिसिजेरिया में जो है बहुत ही इफेक्टिव रहता है रेडनेस, इन्फ्लेम, जो सिस्ट बन जाए, चैलेजिंग सिस्ट बन जाए, स्टाइस के लिए ये काफ़ी अच्छा रेमेडी है एंड काफ़ी इफेक्टिव रेमेडी है. इट गिव गुड रिजल्ट्स एंड देन ये टॉप मोस्ट रेमेडी है फॉर द स्टेफिसिजेरिया अगर सिम्टम्स मैच करता है तो. नेक्स्ट रेमेडी की बात करूँ तो रस्टेक्स. रस्टेक्स इज वन ऑफ द ऑल्सो इन्फ्लेमेटरी रेमेडीज. ये बहुत ही अच्छा एक्ट करता है म्यूकस मेम्ब्रेन पे एंड साथ ही साथ इसमें इन्फ्लेमेशन हो, रेड स्वेलिंग हो, इराइटिस हो, तो इस तरीके से रस्टेक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड रेमेडी. एंड ये सारे डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स पे अकॉर्डिंग टू. बेसिकली जो है हम लोग होम्योपैथी में जो होता है सिमिलरिटी पे पेशेंट को ट्रीट करते हैं. तो सिमिलरिटी हो, सिम्टम्स मैच करता हो एंड काफ़ी हद तक जो है पेशेंट का रिलीफ मिलता है, इट गिव्स द गुड रिजल्ट. लाइक वाइज मैंने इस वीडियोज में बताया कि इसके मैं पिक्चर भी शेयर कर दे रही हूँ कि हाउ द पेशेंट इज़ 80% क्योर्ड एंड नाउ ही इज़ गेटिंग मच रिलीफ. सो गाइज, इस वीडियोज में बस इतना ही डिस्कस करूँगी. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कोई और टॉपिक पे. ऑब्वियसली मैं आपसे अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें. एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कोई और टॉपिक पे. सो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर.